Good morning, class. So students, as we all know, today is your SST first unit test and first assessment test, we can also say that. And इसमें दो chapters आपके आ रहे हैं. First है geography का chapter number one resources and the second chapter is related to our history portion and the name of that chapter is from trade to territory. So first of all we'll revise the chapter number first resources, then after we'll revise that chapter as well as. So water, electricity, rickshaw, vegetable, textbook have some something in common. They have all been used by you, so they have utility. See, utility word is important here because किसी भी काम को, कोई भी चीज़ अगर है, अगर उसकी utility, अगर वो काम में आ रही है, usable है वो, यहाँ पर usability भी हो, तब उसे हम resource करेंगे. अभी व्हाइट बोर्ड है या फिर चौक है या फिर सामने अगर पेन रखी है, वो 10 दिन से यहीं रखी है, उसको किसी ने यूज़ नहीं लिया, उसकी किसी ने यूटिलिटी परखी नहीं, तो वो क्या काम की चीज़ होगी? बिल्कुल नहीं होगी. तो जब हम उसे यूज़ में लेंगे तो वो एक रिसोर्स कहलाएगी. तो जब किसी चीज़ की यूटिलिटी होती है, वो यूज़ में ली जाए, तब वो रिसोर्स होती है. वैल्यू मीन्स वर्थ. कोई भी चीज़ अगर उसकी वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, जैसे मेटल्स हैं, जैसे मैं गोल्ड की बात कर लूँ, मैग्नीश, आयरन, इन सब की बात कर लूँ, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है. खूबसूरत मैदानों की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. ऐसा नहीं है कि मैं इनको कितने रुपए में बेच सकता हूँ, इस खूबसूरती को मैं बेच सकता हूँ. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ों की या फिर ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई वैल्यू इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकली नहीं होती है. बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. तो यहाँ वैल्यू और यूटिलिटी की बात हो रही है. यूटिलिटी मीन्स यूजबिलिटी ऑफ दैट थिंग. जब तक कोई चीज़ यूज़ में नहीं ली जाए, जब तक उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तब तक वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी. Now we have divided resources into three major parts: natural resources, human-made resources, and human. Human is also a resource. So resources are drawn from nature, जो कि nature से लिए जाते हैं और इन्हें कुछ modify करने की ज़रूरत नहीं है. Like हवा हमें मिल रही है तो क्या हम हवा में filter लगाएंगे? अभी वैसे तो pollution हो रहा है, पर ऐसा नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा modification करें. पानी मिल रहा है हमें nature से तो हम उसमें रंग मिला के पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो हम modify ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है पहली बात तो. तो ये हो गए नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन. उसके बाद मैं देखती हूँ कि नेचुरल रिसोर्सेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब है जिन्हें वापस आप यूज में ले सकते हो और वो वापस बनने में, जैसे रिप्लेनिश्ड क्विकली, जैसे यहाँ पर बात की गई है, सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड. रिन्यूएबल रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी. सन जो है हमें हीट दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, वो हमेशा देता है, वो कभी रुकता नहीं. क्या छुट्टी कर ली उसने. विंड भी हमेशा बहती है. तो ये क्या है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, वापस हमें मिलते ही मिलते हैं. पर कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, जिनका अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उनके स्टॉक पर असर पड़ सकता है. जैसे वाटर भी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट क्योंकि अब उसकी शॉर्टेज हो रही है, वो सूखता जा रहा है. वैसे तो 97% है, बट यूजेबल कितना, ओनली अराउंड 3% है, तो उसको भी हमें बचाना चाहिए. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिनका एक लिमिटेड स्टॉक होता है और अगर आप उनको एक बार में यूज़ कर लेते हो, अगर आप उन्हें एक्सॉस्ट कर देते हो, तो वो सालों में वापस बनते हैं. एक साल नहीं, दो साल नहीं. अगर मैंने पेट्रोल एक बार में यूज़ कर लिया तो वो जो पेट्रोल आपने यूज़ किया वो वापस नहीं आएगा और वैसा का वैसा बनने में बहुत साल लग जाते हैं. जैसे मैं कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करूँ, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. अब मैं आ रही हूँ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज पे, इस वाले पे, दिस वी हैव डन. नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जो कि नेचर की हेल्प से ह्यूमन ने बनाई हैं, जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेज, रोड, मशीनरीज एक्सेट्रा. इन्हें हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं. टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन ने बनाई है, तो टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. उसके बाद हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें. ह्यूमन रिसोर्स मतलब ये वाला रिसोर्स. कैसे ह्यूमन एक रिसोर्स है? जब ह्यूमन अपने आप को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने टेक्नोलॉजी को यूज में ले लोगों की भलाई के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए, कुछ बिल्डअप करने के लिए, तब वो एक रिसोर्स कहलाता है. जैसे पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम लोग खुद का यूज़ करते हैं. अगर कोई व्यक्ति है, राम नाम का लड़का है, वो दिन भर में कुछ भी निकलता है, वही श्याम है जो अपने क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ले रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, एक्स्ट्रा स्टडीज़ भी कर रहा है, हेल्प भी करवाते हैं, नेचर को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो वो क्या है, अपने आप का यूज़ ले रहा है. वहीं पर राम ने कुछ भी नहीं किया है. यहाँ पर तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि नाम किस किस के लिए गए उस हिसाब से प्रॉब्लम क्रिएट हो, बस रैंडमली कोई भी नाम ले लिए गए हैं. तो हम यहाँ बात कर रहे हैं दो इंसानों की. अगर वो खुद का यूज़
रिसोर्स न लें तो वो रिसोर्स नहीं कहलाए जाएंगे। आप जितना अपने ज़्यादा यूज़ मिलेंगे, अपने नॉलेज को यूज़ मिलेंगे, स्किल्स को यूज़ मिलेंगे, तब आप ह्यूमन रिसोर्स कहलाए जाते हैं ना। अब क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ में ले रहे हैं तो उन्हें कंजर्वेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं अगर हम लोग सारा ख़त्म कर देंगे। तो देयर इज़ अ बैलेंस, वी नीड अ बैलेंस टू यूज़ द रिसोर्सेज एंड वी हैव टू कंजर्व देन फॉर द फ्यूचर ऑल्सो, दैट इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि एक बार ख़त्म हो गए तो वो वापस उन्हें वैसा बनने में करोड़ों साल लगते हैं। अब हम तो करोड़ों साल जिएंगे नहीं कि हम देख सके कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसीलिए हमें क्या चाहिए, कंजर्वेशन करनी चाहिए। उनका यूज़ जो है आप एक्स्ट्रा यूज़ ना करो, जैसे बिजली जलाई जा रही है वहाँ पर भी जल रही है तो आप बिजली को बंद कर दीजिए, वाटर है वेस्ट हो रहा है उसे सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग वाटर को या फिर और भी अदर चीज़ों को सेव कर सकते हैं। कुछ ये पॉइंट्स है जो हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किए थे कि कैसे आप लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। रिन्यूएबल रिसोर्सेज सस्टेनेबल हैं, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। ये तो तीन उपाय करके हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। Now we will revise chapter number 2 which is related to our history portion. So let's move forward to the next slide. Yes, so here you can see chapter number 2 from trade to territory is coming in your first unit test. So first of all, इसका एक brief introduction देते हुए हम chapter की starting करते हैं। So chapter number 1st में यहाँ आपके first page में ये बताया गया है कि किस तरीके से औरंगजेब एक last ruler थे मुगल empire के, ताकतवर ruler थे, उन्होंने बहुत बड़ा empire खड़ा कर दिया था। फिर उसके बाद जब उनकी death हो जाती है 1707 में, as you can see here, बहुत सारे जो मुगल गवर्नर से वो एक तरीके से फ्री समझते हैं अपने आप को कि अब तो हम भी, अब मुगल एम्पायर में कोई ताकतवर रूलर तो था नहीं, तो खुद को अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश करने लगे, एक तरीके से इंडिया जो था वो बिखरने लग गया। उसी टाइम पर जो है ब्रिटिशर्स इंडिया आते हैं, बहुत सारे वैसे तो यूरोपियन कंट्री इंडिया आते हैं और हमसे ट्रेड करने की परमिशन मांगते हैं, तो हम उनको ट्रेड करने की परमिशन दे देते हैं। यहाँ पर बहादुर शाह जफर, ये जो पिक्चर है इसमें एक फरमान जारी किया गया है आपके, जिसके अंदर एक परमिशन दी जाती है ब्रिटिशर्स को कि वो इंडिया आकर इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ होता क्या है, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि वास्को डिगामा नाम के इंसान ने एक ट्रेड रूट खोजा था, कहाँ से कहाँ तक एक ट्रेड रूट खोजा था, इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक। तो ये एक नेम है, इम्पॉर्टेंट नेम है, जहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए किसने ट्रेड रूट, या फिर अगर हम बात करें किसने रूट खोजा था, ट्रेड की भी बात नहीं करूँ मैं, रास्ते की बात करूँ, तो यहाँ पर रास्ता खोजा गया था इंग्लैंड से इंडिया तक आने का, या फिर ब्रिटेन से इंडिया तक आने का। तो अब यहाँ पर जैसे वो इंडिया आ जाते हैं, इंडिया में रूल ओवर करने लग जाते हैं, इंडिया में उन्हें परमिशन मिल जाती है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत रियायत दी जाएगी ट्रेड करने के लिए, कि कंसेशन दिए जाते हैं। पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए, इस चीज़ का फ़ायदा उठाने लग गए तो जो नवाब थे उन्हें इस चीज़ से आपत्ति थी कि जब हमने आपको जिस चीज़ की परमिशन दिया आप उसी चीज़ को ही छूट मिले, बाकी सारी चीज़ों को छूट में लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका रिजल्ट होता है एक वॉर जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी। ओके, सो यहाँ पर जो भी डेट्स मेंशन की गई हैं, या फिर आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि वो जो वॉर है वो हुआ कब, किस किस के बीच में हुआ, क्या उसके रीजंस थे। तो यहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव का बीच में बैटल ऑफ प्लासी होता है जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं। एंड अब जब जीतने के बाद उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए एक पपेट रूलर। यहाँ बात आ रही है बैटल ऑफ प्लासी की, बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला हार चुके हैं और अब उनको एक ऐसा नवाब चाहिए जो उनकी बात माने। किन की बात माने, ब्रिटिशर्स की। तो उन्होंने एक नया रूलर अपॉइंट किया, वो चाहते थे वो पपेट बना रहे, पर फिर बात है वही बात रही कि कोई भी ऐसा नहीं होने दे रहा था, जिसका रिजल्ट था बैटल ऑफ बक्सर। फिर वापस से एक वॉर होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर, एंड इसमें मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के बीच में ये वॉर हो रही है, और इसमें भी जो मीर कासिम है वो जीत, सॉरी जो हेक्टर मुनरो हैं ब्रिटिशर्स हैं वो जीत जाते हैं। इस तरीके से दो मेजर जो लड़ाइयाँ थी वो हम लोगों ने देखी थी। उसके बाद सारी की सारी डिटेल्स मेंशन आउट है आपके इस पेज में कि किस तरीके से ये लड़ाई हुई है, ये सारी की सारी हम लोग चीज़ें कर चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद धीरे धीरे
पॉलिटिकली वो सोच रहे थे कि क्यों ना जब हम यहाँ आ गए और ट्रेड कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग एक तरीके से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या फिर हम लोग थोड़े बहुत ताकतवर बन जाएं। तो ताकतवर बनने के लिए यहाँ पर क्या था, ताकतवर बनने के लिए हम लोग अपने एरिया को एक्सपैंड करेंगे, जो ट्रेड वाले एरियाज थे या फिर जो ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा अकूत संपत्ति है उसको अपने अंडर में करेंगे। तो इसी के साथ, ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे राजा है वो आपकी बात मान लें, वॉर तो होनी ही है। तो वॉर अब हमारी नेक्स्ट आती है, द टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। जब वो साउथ की तरफ गए थे ब्रिटिशर्स, तो उन्हें एक बहुत बड़ा सामना करना पड़ा था टीपू सुल्तान का। ये हैदर अली है उनके फादर, हैदर अली और टीपू सुल्तान का सामना उन्हें करना पड़ा था ब्रिटिशर्स को। और इनके बीच में भी 4 वॉर्स होती हैं। इन चारों वॉर्स की डेट्स और ईयर्स आप लोगों को याद करने चाहिए, करने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ईयर इज मैंशन, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर ईयर इज मैंशन, थर्ड एंड फोर्थ ईयर इज मैंशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ये चारों वॉर्स के बाद आपका वॉर आती है मराठास के साथ। किसकी मराठास के साथ वॉर हो रही है? ब्रिटिशर्स की। मतलब हर एक एरिया में उन्हें एक रोग का सामना करना ही पड़ता था। यहाँ पर तीनों एंग्लो मराठा वॉर्स की डिस्कशन मैंने इंक्लूड कर रखी है। उसके बाद हमारा टॉपिक है द क्लेम टू पैरामोंसी, मतलब जो ब्रिटिशर्स से अपने आप को सर्वोपरि या फिर पैरामोंट सुपीरियर घोषित कर देते हैं और इसके हिसाब से बोलते हैं कि अब हम सुप्रीम हैं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम सबसे बड़े हैं, हमारी पावर सबसे बड़ी है। और अब वो बोलते हैं कि हम जो भी करें ना वो जस्टिफाइड है, हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे क्योंकि हम पावरफुल हैं। इस तरीके से पैरामोंसी की जो पॉलिसी थी वो लाई गई थी। और अगर हम बोले अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिन जिन पॉलिसीज को जिनके अंदर लाया गया था उनके नाम भी आपको अच्छे से लर्न करने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को रिलेट आप लोग रिलेट कर पाओ। नाउ जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग इस पैरामोंसी की पॉलिसी को मान लें। जब वो साउथ की तरफ यानी कर्नाटका की तरफ जा रहे थे तो किट्टूर की रानी चिन्नम्मा ने एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट खड़ा किया, जिस वजह से बाद में इनकी डेथ हो गई थी। पर उन्होंने एक बोलते ना लोहे के चने चबवा दिए थे किसको, यहाँ पर ब्रिटिशर्स को। उसके बाद आती है वी हैव डन क्लेम ऑफ पैरामोंसी। उसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट पॉलिसी, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब है अगर कोई मेल हायर नहीं है किसी भी किंगडम का तो उसकी सारी की सारी संपत्ति क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसकी जो एरिया है वो किसके अंडर में चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के अंडर में चला जाएगा। इस तरीके से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, अपने अंडर में कर लिए। पर वही बात है, जहां झांसी आएगी वहां झांसी की रानी का नाम बिल्कुल आएगा। तो यहां पर हम झांसी की रानी का नाम इंक्लूड करते हैं। झांसी की रानी और भी बहुत सारे लोगों ने ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति थी उसको मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह से उन लोगों के बीच में लड़ाइयां हुई थी। अब इसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि ये जो आपके इसके बीच में एक सब्सिडरी अलायंस भी पॉइंट था वो छूट चुका है। सब्सिडरी अलायंस मतलब नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। ब्रिटिशर्स कहते थे हम आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, आप हमारे अंडर में आइए, आप हमको हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, पर उसके बदले आपको हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा, सब्सिडी जिसे हम बोल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, एवरी रूलर ऑफ इन इंडिया हैड टू पे एक्सेप्ट टू पे अ सब्सिडी टू ब्रिटिश। हम आपकी रक्षा करेंगे उसके बदले आप हमें सब्सिडी सॉरी पैसे देंगे। अगर आप पैसे नहीं दे पाते तो वो आपकी टेरिटरी हमारे अंडर में हो जाएगी। तो लॉर्ड वेलेसली सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस कर रहे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो जो जो नाम है जिसने भी इंट्रोड्यूस किया उनके नाम आपको याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब जब पता चल गया था कि इंडिया में हमें रूल ओवर करना ही है, बहुत सारे पैसे यहाँ पर हैं, टेरिटरीज हम लोगों ने बहुत अपने अंडर में कर लिया, तो क्या किया, अच्छे से काम डिवाइड करने के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया अपने कामों को। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, BBM, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 3 प्रेसिडेंसीज हैं। इन प्रेसिडेंसीज को गवर्न कौन करते थे, गवर्नर, और हर गवर्नर के ऊपर गवर्नर जनरल होता था। और हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 2 तरीके के कोर्ट्स बनाए, क्रिमिनल कोर्ट एंड जिसे हम फौजदारी कोर्ट भी बोलते हैं, और सिविल कोर्ट जिसे हम दीवानी कोर्ट भी बोलते हैं। सारे के सारे जो लॉज हैं हमारे, हिंदू लॉज हो गए, मुस्लिम लॉज हो गए, उनको कंपाइल किया गया ताकि ब्रिटिशर्स उन्हें समझ सके। एनबी हालेड वो इंसान थे जिन्होंने इन सारे के सारे जो लॉज थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। उसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है द कंपनी आर्मी। अब कंपनी यहाँ पर रूल ओवर कर रही है तो उसे आर्मी की जरूरत है। वो 2 तरीके के आर्मी यूज करती थी, कैवलरी यानी घुड़सवार
और जो दूसरे हैं उन्हें हम बोलते हैं पैदल यात्री। पहले घुड़सवारों की बहुत कीमत होती थी, बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे, पर धीरे धीरे जैसे ही लड़ाई की जो स्थिति थी वो बदलने लग गई, हम लोग बंदूकों का यूज़ करने लग गए, तो जो पैदल सवार यात्री थे, पैदल सवार जो सेना के जवान थे, उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लग गई। क्योंकि अगर आप घोड़ घोड़े पर दौड़ते हुए बंदूक का निशाना मारोगे तो बहुत मुश्किल बात है कि आपका निशाना सही रहेगा। अब वॉर ही ऐसे चल रही है कि जब बंदूक का ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो धीरे धीरे किसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, आपके पैदल सवार जो सेना थे उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई थी, यहाँ पर ये बात की गई है। उसके बाद हम यहाँ लास्ट पॉइंट हमारा जो डिस्कशन का था, इसमें हम लोगों ने देखी थी कि इंडियंस भी आपकी ब्रिटिश आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं देते थे, तो उनको कड़ी ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता था। कड़ी ट्रेनिंग में उनकी कभी कभी भावनाएँ जो थी वो आहत हो जाती थी, और इस वजह से कॉन्फ्लिक्शंस होते थे। और एक सबसे बड़ा मेजर कॉन्फ्लिक्शन है कि एक ऐसी इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी हमारी सोल्जर्स के लिए, जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं काउ एंड पिग की फ्लैश था। तो ये दोनों ही एनिमल्स हैं और हम लोग एनिमल्स को जो हिंदूज हैं वो खाते नहीं हैं, मतलब एक तरीके से हम लोग गाय जो है वो हमारे लिए माता होती है, तो इस वजह से हम लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग इन बंदूकों का यूज़ नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, जब आप मना कर देंगे तो फिर वही ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती करी, और एक मंगल पांडे नाम के इंसान थे जिन्होंने मर्डर कर दिया था एक ब्रिटिश ऑफिसर्स का, फिर जिसका रिजल्ट धीरे धीरे 1857 का जो रिवोल्ट है वो आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग कवर अप करेंगे। सो बट दिस टॉपिक मींस द लास्ट टॉपिक जिसमें हम लोग देख रहे थे कि कैसे बंदूकों का यूज होने लग गया था, उसके आगे आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो स्टार्ट हो जाता है, बट चैप्टर नंबर 3 इज नॉट कमिंग इन एग्जामिनेशन। सो आई होप आप को ये चैप्टर अच्छे से एक तरीके से रिवाइज हो चुका होगा। एक बार रिवाइज करने के लिए सारे के सारे डेट्स से गो थ्रू जाएंगे आप लोग, जितनी भी वॉर्स हुई है उनकी डेट्स किन किन के बीच में हुई है, और जो कौन कौन सी पॉलिसीज किसके द्वारा लाई गई हैं, ये सारी चीज़ों को आप लोग अगर आप कवर अप कर लेंगे तो आपको टेस्ट देने में कोई भी इशूज होंगे नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को सिंप्लिसिटी के साथ चैप्टर के अंदर जाना है, ऐसे अंदर नहीं जाना है, मतलब चैप्टर की समरी करनी है, रिसोर्सेज और फ्रॉम ट्री टू टेरिटरी दोनों ही चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे आप लोगों के लिए। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन इन दिस क्लास। दैट्स इट टुडेज क्लास। थैंक यू।